हाँ जी बेटा, आपको आवाज आ रही मेरी? कैन यू हेयर मी? काइंडली रिप्लाई करें बेटा। आई थिंक वो वॉइस को साउंड इशू कर गई थी। अब सबको आवाज क्लियर है? चलें फाइन, चलें। अगर आवाज क्लियर है तो हम क्वेश्चन भी थे यार, क्वेश्चन भी डिस्कशन चल रही थी हमारी। हाँ जी जनाब, इसी मूव करें। तो क्वेश्चन भी डिस्कशन भी चल रही थी हमारे पे, हमने फाइंड करना था यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक्चुअल ओवरहेड्स फाइंड करने थे ना। अब एक्चुअल ओवरहेड्स को फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था एक्चुअल ओवरहेड्स को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला आपके सामने है कि यही फॉर्मूला हम हमेशा यूज किया करते थे। अच्छा, ये हम देखते हैं हमारे पास सवाल के अंदर कि अंडर ओवर एब्जॉर्ब कितने दिए हुए। तो अंडर ओवर एब्जॉर्ब जो हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है वो कितने मेंशन है, ये हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन था कि ओवर एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, ये 24,000 का हो रहा है। ठीक हो गया बेटा? तो 24,000 का मेरे पास ओवर एब्जॉर्ब है, तो ठीक है 24,000 ओवर एब्जॉर्ब है, पुट कर लूंगा। इसको भी 9 से डिवाइड किया हमने, इसको भी 9 से डिवाइड किया, तो आई थिंक ये 16,000 और 18,000 आ गया था हमारे पास। ये यूनिट्स आ चुके थे हमारे पास 16,000 और 18,000। ठीक हो गया। अब ओआर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या है? ये फिक्स ओवरहेड का जो रेट होता है हमारे पास होता है, ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होता है, जो फिक्स ओवरहेड का रेट हम चला रहे होते हैं, ये हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होता है, क्योंकि ये फिक्स ओवरहेड के हम रेट चला रहे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल रेट गिवन था बेटा, तो टोटल के अंदर हमारे पास ओआर क्या वैल्यू थी, ओआर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ये आपने मुझे बताना जरा, बताए जरा कितनी हमारे पास ओआर की वैल्यू थी। हाँ जी, सिक्स, फाइन। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन किस रेट से ओवरहेड एब्जॉर्ब हो रहे थे? सिक्स के रेट से हमारे पास, यानी हमारे पास फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब किस रेट पे हो रहे थे, ये सिक्स के रेट से एब्जॉर्ब हो रहे थे। तो सिक्स हमारे पास क्या होगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होगा, कि फिक्स ओवरहेड का रेट हमारे पास सिक्स है, वेरिएबल का रेट हमारे पास थ्री है। तो ठीक है, सवाल पे जाता हूं मैं वापिस बेटा, वापिस सवाल पे जाता हूं मैं। यहां पे हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है? हाँ जी बेटा, अब एक्चुअल ओवरहेड कितने हमारे पास गिवन थे? अच्छा, अंडर ओवर एक्चुअल तो मैं फाइंड कर रहा हूं, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कितना गिवन था, 24,000 का ओवर एब्जॉर्प्शन था। ठीक है, तो 24,000 आई विल मेंशन हियर, दिस इज, यहां मेरा 24 आ जाएगा, अब ओएआर 6 आ जाएगा। एक्चुअल, अच्छा जी, एक्चुअल हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई, सवाल पे देखते हैं जनाब। हमने वर्किंग की तो यहां 16,000 और 18,000 आ रहा था, यानी स्टॉक कितना इंक्रीज करा था, 2000 से स्टॉक इंक्रीज करा था। 2000 से कैसे इंक्रीज करा था, इसका मतलब है हमने जो सेल की है, हाँ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो सेल की है यहाँ पे ये हमारे पास 16,000 और ये 18,000, स्टॉक कितना इंक्रीज करा हमारे पास, तो स्टॉक हमारे पास इंक्रीज करा 2000 से। हमने जो सेल की, कितनी सेल की, 48, तो 48,000 प्लस 2000 तो ऐड किया हमारे पास क्या आ रहा है, 50,000। तो 50,000 की इसका मतलब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी एक तो हम सेल कर रहे हैं 48,000 की, और एक हमारा 2000 से स्टॉक भी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब प्रोडक्शन कितनी है हमारे पास, 50,000 की। इसका मतलब हमारा एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कितना है, 50,000 का जनाब। तो ठीक है, एक्चुअल एक्टिव लेवल हमारे पास कितना, 50,000 का है। तो ठीक है, हम मूव करते हैं, 50,000 का हमारे पास एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है, तो वो 50,000 में क्या करूंगा यहाँ पे, वो 50,000 मेंशन करूंगा यहाँ पे, 50,000 दैट इज, हाँ जी मल्टीप्लाई कर लें इसको, क्या आता है बेटा, अरे फरिए मल्टीप्लाई करें, कितनी वैल्यू आ रही है, 300,000, लें जी 300,000 आ गया। अब देख लें, अब आपके पास ओवर एब्जॉर्ब कैसे आया, हमारे पास ये ओवर एब्जॉर्ब है, इसका ओवर एब्जॉर्ब का मतलब ये है कि ये वैल्यू यहां से माइनस हुई होगी, तो फिर पॉजिटिव निकला होगा, तो डिफरेंस ले लें क्या आ रहा है, आई थिंक 276,000 आ रहा होगा। तो दिस इज अवर आंसर, दिस विल बी अवर आंसर बेटा, 276,000 इज अवर आंसर। हाँ जी, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी को कोई मसला बेटा, इज इट डन, इसमें कोई मसला भाई, यहां तक कोई इशू, फाइन, यहां तक आई थिंक कोई इशू नहीं है आपको,
कोई कह रहे किधर यार हनी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बेटा रीड करते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है नेक्स्ट रिक्वायरमेंट रीड करते हैं द प्रॉफिट दैट वुड हैव बीन रिपोर्टेड इन अक्टूबर इफ एंटिटी हैज यूज्ड मार्जिनल कॉस्टिंग यानी अगर कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करी तो फिर हमारे पास प्रॉफिट कितने होंगे अच्छा जी अब अब्सॉर्प्शन का प्रॉफिट गिवन हमारे पास कितना है दैट इज 37,000 इट्स इजी इट्स गिवन द क्वेश्चन तो 37,000 तो हमारे पास गिवन है तो ये हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 37,000 का 37,000 का हमारे पास प्रॉफिट गिवन है तो ठीक है तो ये हमारे पास कितना है हमारे पास 37,000 दिस इज प्रॉफिट गिवन है फाइन अब हमारे पास क्या है अब हमने यहां पे अब हमने क्या पढ़ा था कि क्या लेंगे हम यहां पे स्टॉक का डिफरेंस ले लेते हैं ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में कितना डिफरेंस आ रहा है आई थिंक 16,000 और 18,000 2,000 यूनिट्स का फर्क आ रहा है यहां पे चेंज इन स्टॉक इज 2,000 यूनिट्स सो 2,000 यूनिट्स लेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के साथ तो 2,000 यूनिट्स लेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के साथ तो हमारे पास दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस भी आ जाएगा तो क्या करेंगे यहां पे हम यहां पे तो यहां पे चेंज इन स्टॉक हाँ जी बेटा यहां पे अगर मैं वर्किंग करूं तो कैसे वर्किंग परफॉर्म करूंगा वी विल मेंशन हियर एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कितना गिवन है एब्जॉर्प्शन चलो मैं प्रॉफिट मेंशन करता हूं उसका दैट इज 37,000 हमने बात की थी हम लेंगे चेंज इन स्टॉक कि स्टॉक या इन्वेंट्री में जितना भी चेंज आ रहा है इनटू फिक्स कॉस्ट पर यूनिट या ओएआर पर यूनिट कह लें आप चेंज इन स्टॉक कितने हैं 2,000 है हाँ जी फिक्स कॉस्ट कितनी है 6 है तो मल्टीप्लाई करने कितना आ रहा है 12,000 आता है ना तो 12,000 से अब क्या होगा हमारा स्टॉक इंक्रीज करे डिक्रीज करे तो कल हमने बात की थी जब भी स्टॉक इंक्रीज करता है तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हमेशा क्या होता है हमारे पास हाई होता है जब भी हमारे पास स्टॉक इंक्रीज करता है तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हाई होता है तो इसको माइनस कर लेंगे माइनस करने से हमारे पास क्या आएगा मार्जिन का प्रॉफिट आ जाएगा इसको माइनस करेंगे हमारे पास मार्जिन का प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे तो 37,000 में से हम माइनस कर लेंगे इसके वैल्यूज को तो हमारे पास क्या आएगा ये माइनस करेंगे 25,000 सो 25,000 विल बी द मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट सो दिस इज माइनस करें यहां से 25,000 विल बी द मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट डन इस सवाल में कोई मसला बेटा इज इट क्लियर अंडरस्टैंड सबको आसान भी कुछ बच्चे ने कहा कि सही समय नहीं आई किसको सही समय नहीं आई बेटा क्वेश्चन कोई मसला बताया मुझे जरा इफ इट इज क्लियर देन आई विल मूव ऑन द न्यू क्वेश्चन आसान सवाल था हमें एक प्रॉफिट गिवन था एब्जॉर्प्शन का डन प्रॉफिट गिवन था हमने कहा था चेंज इन स्टॉक लेंगे जितना स्टॉक में चेंज आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के साथ तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसको तो हमारे पास अब यही अगर मार्जिनल का प्रॉफिट गिवन होता तो मुझे पता था इतनी अमाउंट से एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा है तो ये डिफरेंस जो है तो मैं मार्जिनल में एड करता एक बच्चे ने सवाल पूछा ऊपर ये 50,000 कैसे आया बेटा चेंज इन स्टॉक लिया है सवाल पे चलता हूं मैं सवाल पे मैंने देखा था सवाल पे क्या था हमारे पास हाँ जी सवाल पे चलता हूं तो सवाल में मेरे पास क्या था ये यहां पे हमने कितनी प्रोडक्शन सेल कितनी हुई है हमारे पास सेल हुई है यहां पे 48,000 की ये 48 की आपके पास सेल हो रही बेटा 48,000 की सेल आ गई और यहां से ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक इन स्टॉक इंक्रीज कितना किया हमारे पास 2,000 से स्टॉक इंक्रीज करा था ओपनिंग स्टॉक था 16,000 का बेटा क्लोजिंग स्टॉक था मेरे पास 18,000 का तो स्टॉक इंक्रीज कर रहा था मेरे पास अगर मैं यहां पे देखूं यहां मैं बात कर देता हूं बेटा चले यहां बात कर देता हूं और हमने सेल कितने की सेल हमने की 48,000 की और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में चेंज कितना आया 2,000 का स्टॉक भी तो इंक्रीज किया ना वो कहां से इंक्रीज किया होगा इसका मतलब हमारी प्रोडक्शन ज्यादा हुई है सेल कम हुई है तो इस वजह से हमारा स्टॉक इंक्रीज करके 2,000 से स्टॉक इंक्रीज किया इसका मतलब 2,000 से प्रोडक्शन ज्यादा हुई है तो 48,000 जो हमने सेल किया प्लस स्टॉक इंक्रीज किया तो कुल मिला के हमारे पास बनता है ये 50,000 सो दैट 50 वी विल पुट हियर क्लियर बेटा किसी का कोई और सवाल डन इट इज डन डन चलिए मैं अब और सवाल देखते नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं ये 6 months एंडिंग प्रोडक्शन की यूनिट्स सेल ऐसे ऐसी मैंने आपकी एग्जाम्पल करवाई थी यार ये तो वैसे एग्जाम्पल की तरह ही
कि पिछले का जो क्लोजिंग होगा नेक्स्ट का ओपनिंग होगा। मैं कोई अच्छा सा सवाल लेता हूँ जिसमें मैं जल्दी से ज्यादा चीजें सारी अप्लाई कर सकूं। ये सवाल भी अच्छा है बट इसमें प्रोडक्शन हो रही है, सेल हो रही है, सब कुछ गिवन है यार, सब कुछ गिवन है। और सवाल देखता हूँ, फाइफो आ रहा, चले इसको देख लेते हैं। यदि ये 4.4 क्वेश्चन रीड करें बेटे सब लोग क्विकली, हरी अप रीड आउट दिस क्वेश्चन। सब लोग 4.4 क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। नहीं मैं इसको सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या, प्रिपेयर द प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड अंडर एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिन, दोनों के थ्रू हमने स्टेटमेंट बनानी है, मार्जिन के थ्रू भी बनानी है और एब्जॉर्प्शन के थ्रू भी बनानी है, ठीक हो गया। और रिकंसाइल भी करना, ठीक है जी रिकंसाइल भी करना। दो तीन मिनट लें, रीड आउट करें जल्दी। हरी अब हरी अब रीड आउट करें जल्दी जरा। हाँ जी, क्या रिक्वायरमेंट है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू मार्जिन कॉस्टिंग के थ्रू निकालना फिर रिकंसाइल करना, ये रिक्वायरमेंट है। फाइन, चलते हैं सवाल पे। कहते हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द एटीएफ लिमिटेड, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ईयर यूनिट 35,000, कितने यूनिट की प्रोडक्शन हो रही है हमारे पास, 35,000 यूनिट की प्रोडक्शन हो रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन आपको बता दिया गया, फिनिश गुड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये बता दिया गया कि फिनिश गुड्स कितने हमारे पास, फिनिश गुड्स एट द एंडिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया आप। सेल निकाल लेंगे यार, तो जल्दी जल्दी मुझे सेल निकाल के दिखाएं, ये आपको चीजें दी हुई है। हाँ जी बेटा, सेल निकालेंगे जरा, कितनी प्रोडक्शन हुई यहां पे आपके पास, आपके पास यहां पे प्रोडक्शन कितनी हुई बेटा, थर्टी फाइव थाउजेंड की हमारे पास क्या हुई है, प्रोडक्शन हुई है, 35,000 की प्रोडक्शन हुई होगी हमारे पास। अब स्टॉक कितना इंक्रीज किया है, 3,000 यूनिट पहले थे और फिर बाद में 1,500 हो गया हमारे पास, इसका मतलब 1,500 हमारा स्टॉक डिक्रीज कर गया यार, डिक्रीज, इसका मतलब स्टॉक से भी चीजें सेल हो गई होंगी। हाँ जी, क्या कितनी सेल हुई होगी, 36,500, फाइन बिल्कुल यही सेल हमारे पास हुई होगी, क्योंकि हमारे पास क्या कर रहा है, स्टॉक हमारे पास डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब स्टॉक डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि जो हमने लास्ट टाइम प्रोडक्शन की हुई है, ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ है, उसमें से भी कुछ आइटम हमारे पास क्या हो गई है, वो यूज हो गई, सेल हो गई है हमारे पास, तो ठीक है 36,500 की हमारे पास सेल आ गई। मैं थोड़ा सॉल्व भी करता जाता था कि आपको आइडिया भी होता जाए क्विकली, जरा हम टाइम जरा कम वेस्ट करें इसके अंदर। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जल्दी जरा मैं इसको रिमूव भी कर देता हूं। हाँ जी, हाँ जी, मार्जिन कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों के अंदर सेल तो बड़ा सेम ही होती है ना, सेल में तो चेंज होता ही नहीं हमारे पास, सेल तो दोनों में सेम ही आ रही होती है। हाँ जी, सेल हमने दोनों में सेम ही फाइंड की, सेल फाइंड की, सेलिंग प्राइस दी भी आपको। चलो मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ, ये है एब्जॉर्प्शन,
ये है मार्जिनल यार, चले सेल्स। अभी आपने बात की कि हमारे पास 3,6,500 यूनिट्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करें सेलिंग प्राइस से बेटा। सवाल में कितनी सेलिंग प्राइस दी हुई? हाँ जी, सेलिंग प्राइस पाइन इज 200, दैट इज मेंशन द क्वेश्चन 200। ये सवाल आपके सामने, ये 200 गिवन है मेरे पास, ठीक हो गया बेटा। तो 200 इज गिवन, तो क्या करेंगे यहां पे हम? तो 200 अगर गिवन है तो फिर क्या करेंगे, 200 को हम यहां यूज कर लेंगे। तो ठीक है, तो यहां 200 पुट करें बेटा, मल्टीप्लाई करें। हर ये मल्टीप्लाई करें, क्या वैल्यू आती है मेरे पास? आई थिंक 7300 सम, यस 7300,000। लेकिन दोनों में यही आएगी, 7300,000 ही आएगा मेरे पास। अब यहां से क्या करना है, सेल में से हमने ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन, क्लोजिंग स्टॉक, ये चीजें लेनी है सारी। हमने सवाल पे जाता हूं, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स दिए मैंने, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स भी गिवन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी गिवन है, फिक्स ओवरहेड्स कॉस्ट फॉर द ईयर, पूरे साल के फिक्स ओवरहेड्स कितने हैं हमारे पास? 1,000,000 की, ये भी गिवन है। फिक्स एडमिन सेलिंग एक्सपेंस पूरे साल के 2,00,000 के हैं, एनुअल बजट कैपेसिटी प्लान कितनी? 40,000। ये नॉर्मली हम जो प्लान करते हैं, इन ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब कैसे करवाते हैं? 1,000,000 की हमारे पास ये फिक्स ओवरहेड्स कॉस्ट है, और 40,000 नॉर्मली हमारे यूनिट्स होते हैं। यानी अगर मैं यहां पे ओएआर बनाऊं तो ओएआर क्या बनेगा? ओएआर जरा मैं यहां पे आइडिया दे दूंगा आपको, ओएआर क्या होगा हमारे पास? बजट ओवरहेड कितने हमारे पास? 1,000,000 के। बजट एक्टिविटी लेवल कितना हमारे पास? दैट इज द 40,000। तो करें डिवाइड, 1,000,000 डिवाइड बाय 40,000, ओएआर कितना हमारे पास बनता है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, यानी हमारे पास हम ओवरहेड किस रेट से एब्जॉर्ब करवा रहे होंगे, दैट इज। तो पर यूनिट जो रेट आएगा, आई थिंक 25 का रेट निकलेगा। डिवाइड करने क्या आता है, ये भी जो मैंने आपको डिवाइड करने को कहा है, क्या वैल्यू आती है? ये हमारे पास बजट ओवरहेड कितने हैं? 1,000,000 के। बजट एक्टिविटी लेवल कितना है? 40,000। तो ये 25 आ रहा है हमारे पास, यानी पर यूनिट हमारे पास फिक्स ओवरहेड जो एब्जॉर्ब होंगे कितने होंगे? 25 के रेट से ओवरहेड हमारे एब्जॉर्ब हो रहे होंगे। फाइन, वापिस सवाल पे जाता हूं। अच्छा जी, उसके बाद एनुअल द एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट इनक्रीज फॉर द ईयर आपको दिया जा रहा है। हाँ बेटा, फिक्स ओवरहेड्स का हमने रेट की बात की है कि ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब कैसे करवाना है। तो आपके पास फिक्स ओवरहेड 1,000,000 के दिए हुए, ये सवाल कितने बेटा? 1,000,000 की गिवन है यार, ये पेन इसके ऊपर नहीं चल रहा, ये 1,000,000 के हमारे पास गिवन है, ये 1,000,000 के हमारे पास गिवन है, दैट इज 1,000,000। 1,000,000 के मेरे पास गिवन है, 1,000,000 डिवाइडेड बाय, इसको मैंने डिवाइड करूंगा 40,000 के यूनिट्स। ये आखिरी जो इस बॉक्स में आखिर आएंगे ना, एनुअल बजट कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज 40,000। नॉर्मली प्लांट की कैपेसिटी कितनी? 40,000 यूनिट्स है नॉर्मली इतने बनते हैं, और नॉर्मली हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी होती है? 1,000,000 की होती है। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय हम, यानी बजट कॉस्ट डिवाइड बाय बजट एक्टिविटी लेवल, तो 1,000,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो हमारे पास ये कितनी वैल्यू आ रही है? इनको डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है, यू कैन सी, तो ये 25 की वैल्यू आ रही है मेरे पास, ठीक हो गया बेटा, ये 25 आ गया मेरे पास, दैट इज, दिस इज 25। फाइन, वापस सवाल पे आता हूं। इसके बाद मटेरियल की कॉस्ट कितनी दी हुई आपको? मटेरियल कॉस्ट 570 की दी हुई, लेबर कॉस्ट 40 पर यूनिट दिया हुआ, वेरिएबल ओवरहेड 30 पर यूनिट दिया हुआ, ये सारी हमें गिवन है, ये पर यूनिट हमारे पास, ये कॉस्ट कुछ गिवन है हमारे पास। कंपनी यूजेस अ फाइफो मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरी, द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स डिटरमाइंड अंडर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम वाज रुपीज 450,000। ये आपको बता दिया गया है कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक को जो हमने वैल्यू किया है, उसकी वैल्यू कितनी? 4,50,000 इसकी वैल्यू गिवन है, जिसको हम एज इट इज यूज कर लेंगे एब्जॉर्प्शन के अंदर। फिक्स ओवरहेड कॉन्स्टिट्यूटेड 16% ऑफ द टोटल कॉस्ट, इसका मतलब इसमें 16% फिक्स कॉस्ट भी शामिल है, तो बाकी जो 84% वो क्या है? वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो हम जब मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करेंगे, इसका 84% मैं यहां पर यूज कर लूंगा बेटा। तो एब्जॉर्प्शन में क्या यूज करूंगा? पूरा 450,000। मार्जिन में क्या यूज करूंगा मैं? इसका 84%। तो अभी यूज कर लेते हैं यार, इसमें क्या मसला है, तो अभी यूज कर लेते हैं इसको। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक इसकी वैल्यू अभी निकाल लेते हैं, 450,000 है। एक तो हमारे ये 450 तो पूरा का पूरा आ जाएगा, और बाकी 84% ले लें यार। यहाँ पे देखें, यहां पर लेता हूं ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, यहां पूरे का पूरा ले लेता हूं मैं ओपनिंग स्टॉक। यहां चलो मैं क्या करता हूं, यहां लिख देता हूं, चलो 450, ये पूरे का पूरा ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा मेरे पास नहीं जी एब्जॉर्प्शन के लिए। और मार्जिन के लिए क्या आएगा? 450 का ले 84%, 16% तो फिक्स है ना, वो नहीं लेना हमने, बाकी 84% ले जल्दी जरा, 450,000 इनटू 84% क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मार्जिन कॉस्टिंग के अंदर हमने वेरिएबल कॉस्ट से ट्रेड करना होता है, फिक्स कॉस्ट यहां शामिल नहीं करना। उसने बता दी इसमें 16% हमारे पास फिक्स कॉस्ट शामिल है,
तो हम फिर क्या करेंगे, 16% लेंगे, बाकी 84% ले लेंगे, दैट इज 378,000. इज इट फाइन? 378,000 फाइन, 378,000 आ गया. जगत जिस काम है मैं इसलिए समझ लिख रहा हूं, ठीक हो गया. ऑफरिंग स्टॉक, प्रोडक्शन की कॉस्ट यार, इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. कैसे? अच्छा, एब्जॉर्प्शन में क्या कर रहे हैं हम यहां पे? एब्जॉर्प्शन में 25 की फिक्स कॉस्ट को भी एब्जॉर्ब करवाएंगे. मार्जिन में हमने फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब नहीं करवाना. तो ठीक है, हमें कॉस्ट दी हुई यार, ये 70 मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट 30, 70 प्लस 40 प्लस 30, तीनों को ऐड कर ले, क्या बनता है? तीनों को ऐड करें जल्दी क्विकली, 70 इसमें ऐड कर लें, 70 प्लस 40 प्लस 30, 40 प्लस 30, हाँ जी, क्या बनता है? इन सबको ऐड करेंगे अगर आप वैल्यू, तो 165 आई थिंक बन रहा है, यस 165. अगर आप 25 को ऐड नहीं करते तो 140 बनता है. तो हमारे पास कितनी हमने प्रोडक्शन की है, सवाल में बताया हुआ था बेटा, सवाल के अंदर मेंशन था, हम प्रोडक्शन कितनी 35,000 पहली लाइन में देखे थे, दैट इज 35,000. तो 35,000 की हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या करें, मैं यहां लिख देता हूं, चले 35,000 को हमने क्या करना है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए 165 पे आपने ट्रीट करना है, और मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए क्या करना है आपने, मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए आपने 35,000 कहां लिखू मैं, चले मैं क्या करता हूं, यही लिख देता हूं, ये मेरे पास क्या था, 35,000 इंटू 140 मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक होगी बात यहां तक? हाँ जी, यहां तक बात क्लियर होगी बेटा, इज इट डन? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर, ये सब क्लियर है भी? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने फिक्स कॉस्ट को भी 25 को भी एब्जॉर्ब करवाया, मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब नहीं करवाना, हमने जस्ट उसको वेरिएबल कॉस्ट पे ट्रीट करना है, हमने उसको वेरिएबल कॉस्ट रखना है, उसमें फिक्स कॉस्ट को शामिल नहीं करना. इज इट क्लियर? डन, यहां तक बात क्लियर होगी आई थिंक सो. क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक हमें सवाल में बताया होता 1500 का आई थिंक गिवन था, कितना था यार देख लेते हैं, तो दैट इज ये दिया 1500 फाइन. तो 1500 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक को कैसे ट्रीट करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक? सो 1500 को बेटा क्या करूंगा मैं इसमें, हाँ जी, कैसे ट्रीट करेंगे जरा ये बताया जरा मुझे, कैसे कैसे ट्रीट होना चाहिए? तो ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इसको 165 पे ट्रेड कर दें, और मार्जिनल कॉस्टिंग में ये 1500 को आप 140 पे ट्रेड कर दें बेटा, दिस इज फाइन. नहीं जी, अब हो जाएगा सॉल्व, ये हमारे पास क्या है, दिस इज व्हाट, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपने लेना है एब्जॉर्प्शन के लिए. ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये किसके लिए है, ये मार्जिनल के लिए है. तो निकाल लें वैल्यू जरा, ये इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई 35,000 इंटू 165 मल्टीप्लाई करें, क्या वैल्यू आती है, ये 57 आई थिंक ऐसा कुछ आएगा, बिल्कुल ऐसे ले रहे हैं आप बिल्कुल, और उसको भी मल्टीप्लाई कर ले 4900 आई थिंक 1000 आ जाएगा, ऐसे कुछ ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक को ले लें मल्टीप्लाई कर लें, तो 247,500 है ये आ जाएगी बार, इधर 210,000 इधर आ जाएगा आई थिंक सो, यस. तो ओपनिंग स्टॉक ये लिया, इसमें ऐड करें ये, माइनस करेंगे ये, ओपनिंग स्टॉक प्लस दिस माइनस दिस, तो ये ओपनिंग स्टॉक लें प्लस प्रोडक्शन लें माइनस क्लोजिंग स्टॉक लें, तो ये आप माइनस कर लेंगे आप इस सेल में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. बट एक और चीज भी यार यहां पे करनी है, वो क्या, मैं आगे करता हूं यहां पे. यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहां तक कोई मसला बेटा, किसी को बात पूछनी हो, देखने में सवाल थोड़ा मैस हो गया क्योंकि मैं दोनों चीजें पैरेलल चला रहा हूं, एक ही टाइम पे चला रहा हूं, तो किसी फिगर में या किसी एडजस्टमेंट में कोई मसला है तो मुझे बताएं जरा, अगर क्लियर है तो हम चलते हैं आगे जरा. इज इट क्लियर? फाइन. तो ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे प्लस प्रोडक्शन ऐड कर लेंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा दोनों के अंदर ही, तो सेल में भी इसको माइनस कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल इसी तरह हम मार्जिन में भी आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन में भी आ जाएगा, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. आगे जरा मैं एक वर्किंग करनी है मैंने मेन बेसिकली. अब आगे क्या है, और आगे
ये ना हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर में क्या करना था, अंडर ओवर का कॉन्सेप्ट भी यहां पे अप्लाई करना है, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड। मैं ओवरहेड को किस रेट पे एब्जॉर्ब करवा रहा हूं, 25 के रेट से एब्जॉर्ब करवा रहा हूं यार, यानी 25 के रेट में ओवरहेड को एब्जॉर्ब करवा रहा हूं, और 25 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं हमें अपने एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के साथ। एक्चुअली प्रोडक्शन कितनी हुई, 35,000 की यार, तो ठीक। तो ये मेरे पास क्या आएंगे, ये एब्जॉर्ब ओवरहेड है कि 25 को मैं ये मल्टीप्लाई कर ले, क्या वैल्यू आती है मेरे पास, यानी ओआर को मल्टीप्लाई किया 35,000 से, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, जरा करें मल्टीप्लाई जरा, अरे भरिए भरिए, यानी हमारे पास क्या था, हाँ जी बेटा ओआर कितना है 25, मल्टीप्लाई की एक्चुअल एक्टिव लेवल कितना है 35,000, ये वैल्यू आ गई। अब 87,500 फाइन, हमने एक्चुअली ओवरहेड कितने एब्जॉर्ब करवाए, जरा मैं यहां पे वर्किंग करवा दूंगा, मैं एक्चुअल ओवरहेड कितने यहां पे एब्जॉर्ब करवा रहा हूं। सवाल पे देखते हैं, सवाल में बेटा, सवाल में दिए होंगे। अब यहां पे हमारे पास एक्चुअल ओवरहेड कितने, 1 मिलियन की, ये दिए मैं 1 मिलियन, 1 मिलियन की कॉस्ट एब्जॉर्ब हो रही है, तो 1 मिलियन की अगर कॉस्ट एब्जॉर्ब हो रही है तो ठीक है, दैट इज 1 मिलियन, 1 मिलियन की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, जबकि मैंने एब्जॉर्ब करवाए हैं 87,500 की, 1 मिलियन की मेरे पास कॉस्ट आ रही है, तो करें माइनस, क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास, तो माइनस किया तो मेरे पास आई थिंक सो फर्क आ रहा होगा, कितना फर्क आ रहा होगा, 12,000, ये 125,000 जैसे फर्क आ रहा होगा, 125,000, दिस इज, तो ये अंडर एब्जॉर्ब हो गया 127,000, ये 125,000 अंडर एब्जॉर्ब हो गया, तो प्रॉफिट में जाके अगर प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर, तो प्रॉफिट में से ये क्या हो जाएगा, अंडर एब्जॉर्ब माइनस हो जाएगा हमारे पास, ये कंट्रीब्यूशन वैसे की वैसी आ जाएगी हमारे पास। इसके अलावा कोई और कौन कौन सी कॉस्ट थी हमारे पास, इसके अलावा जो हमारे पास एडमिन सेलिंग की कॉस्ट थी बेटा 2 मिलियन की, ये वैसे की वैसी माइनस हो जाएगी, इसमें तो कोई ऐसा चक्कर ही कोई नहीं ना, तो ठीक है, जो 2 मिलियन पूरे का पूरे मैं माइनस कर दूंगा। अच्छा जी, अब होगा क्या, अब होगा क्या यहां पे, थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, इसमें एडमिन सेलिंग की कॉस्ट कितनी है, एडमिन सेलिंग की 2 मिलियन, वो 2 मिलियन यहां से भी माइनस हो जाएगी बेटा, एब्जॉर्प्शन में भी हो जाएगी और मार्जिन में भी हो जाएगी, 2 मिलियन वो पूरा ही माइनस हो जाएगा। अब यहां पे हम मार्जिन कॉस्टिंग के अंदर 1 मिलियन बाद में जो फिक्स कॉस्ट है वो पूरी की पूरी माइनस कर रहे होंगे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास प्रॉफिट का फर्क क्यों आता है, जरा इसको क्लियर कर दूं मेरा, प्रॉफिट का फर्क बेटा इसलिए आ रहा होता है कि आप देख सकते हैं कि हमने यहां क्या किया, हमने एब्जॉर्प्शन के अंदर जो फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब करवाया वो 87,500 को एब्जॉर्ब करवाया, जबकि मार्जिन में मैंने जो माइनस करवाया वो 1 मिलियन को माइनस करवाया मैंने, तो ये बेसिकली इस चीज का फर्क आ रहा होता है। सवाल पूछ रहे बच्चे से, वाई अंडर एब्जॉर्ब, बेटा फॉर्मूला चेक कर ले आप, ये ओएआर है, ओएआर को मल्टीप्लाई करते हैं हम एक्चुअल एक्टिव लेवल के साथ, हमारे पास एब्जॉर्ब, हमने इतनी ओवरहेड अपने सवाल में एब्जॉर्ब करवाए, हमने प्रोडक्शन की 35,000 की और पर यूनिट जो हमने कॉस्ट शामिल की है वो 25 की शामिल की है, तो 87,500 की कॉस्ट हमने एब्जॉर्ब करवाई है, जबकि पूरे साल की कॉस्ट है कितनी, वो दी हुई 1 मिलियन की है, 1 मिलियन की कॉस्ट दी हुई पूरे साल की, यानी ये 1 जीरो यहां पर ज्यादा होगा, यहां भी 1 जीरो ज्यादा होगा, तो 1 मिलियन की कॉस्ट है, तो ये फिर हम क्या करेंगे यहां पे, तो इस केस में फिर हम क्या करेंगे, इस केस में हम ये हमारे पास माइनस करेंगे तो हमें नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो नेगेटिव आंसर हमेशा अंडर एब्जॉर्ब ही होगा, तो अंडर एब्जॉर्ब प्रॉफिट में से माइनस होगा, ओवर एब्जॉर्ब प्रॉफिट में ऐड होगा, इसलिए हम इसको ट्रीट करेंगे, यानी हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब करवाते हैं यूनिट्स के अंदर, प्रोडक्शन की यूनिट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में एंड में जाके कंट्रीब्यूशन के बाद पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट पूरे साल की हम माइनस कर रहे होते हैं, जैसे मैंने अभी 1 मिलियन पूरा माइनस किया है, जैसे मैंने सेलिंग की कॉस्ट 2 मिलियन की माइनस की हुई है, तो हम एब्जॉर्प्शन के अंदर इसको प्रोडक्शन के यूनिट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी इसी सवाल में हमने क्या किया था, 25 को हमने इसको शामिल करवा दी यूनिट्स के अंदर, 25 को हमने इसमें शामिल करवा दी, दैट इज, यानी यहां मैंने क्या किया था, ये 25 मैंने इसमें ऐड कर दिया था, 25 इसमें ऐड करके तो ये 25 इसके अंदर शामिल है, यानी ये जो मैं जो कॉस्ट यहां पे ट्रीट कर रहा हूं, द कॉस्ट दैट आई एम गोइंग टू ट्रीट हियर, ये जो मैं 175 चला रहा हूं, 165 इसके अंदर 25 और फिक्स कॉस्ट का भी शामिल है। अच्छा एक बच्चे सवाल पूछ रहे कि 125,000 को हम कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं बेटा, ये आप पे डिपेंड करना है, इसमें कोई मसला नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज करना है
तो हम कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करेंगे, प्रॉफिट में ट्रीट करना है तो प्रॉफिट में से हम इसको माइनस कर लेंगे, कोई इसमें मसला नहीं। नॉर्मली अगर मैं अगर मैं रूल पे जाऊं तो इसको कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रीट होना चाहिए, यानी कॉस्ट ऑफ सेल क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट होती है, ये तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ये ओवर एब्जॉर्ब निकलता है हमेशा, तो इसको कॉस्ट ऑफ सेल में जाके ऐड होना चाहिए। हाँ जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन इस सवाल में, एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? सर ये एंड वाले पॉइंट की समझ नहीं आया मुझे। हाँ जी बेटा, ये जो आप एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं इसकी समझ नहीं आई। हाँ बेटा, कौन सी एडजस्टमेंट? हाँ पूछेंगे सर, ये जो ये आप बता रहे हैं ना कि मार्शल में जो उनसे आपने 25 इंक्लूड नहीं किया था तो अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपने किया है। हाँ जी हाँ जी, तो उस वजह से जो है जो एडजस्टमेंट हाँ जो आप कर रहे हैं उसकी मुझे समझ नहीं आई एंड से। चलो मैं रिपीट करता हूँ दोबारा से, नहीं इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा जरा गौर से बेटा सब लोग सुनेंगे जरा। हाँ जी बेटा, हम क्या करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, हम क्या करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का नाम एब्जॉर्ब करना, हम फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब करवा देते हैं। हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या कर रहे होते हैं, हम ओएआर फाइंड करते हैं, यानी बजट ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजट एक्टिविटी लेवल। इस सवाल के अंदर हमारे बजट यानी 1 मिलियन है और एक्चुअल भी 1 मिलियन ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। खैर, अब बजट ओवरहेड हमने 1 मिलियन के ले लिया, 1 मिलियन को डिवाइड किया 40,000 यूनिट्स। मैंने क्यों किया कि सवाल के अंदर बताया गया था मुझे कि हमारे पास ओवरहेड कितने हैं, ये 1 मिलियन के हैं, दैट इज 1 मिलियन डिवाइड बाय एक्टिविटी लेवल कितना था मेरे पास, ये 40,000 का था। यानी नॉर्मली हमारी फिक्स कॉस्ट 1 मिलियन की है और नॉर्मली प्रोडक्शन 40,000 की होती है, यानी नॉर्मल के अकॉर्डिंगली सब कुछ बना हुआ है। तो बजट कॉस्ट को बजट यूनिट से मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास ओएआर निकला है इस सवाल में, तो ओएआर क्या है, 25 आ गया। तो फिक्स हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इस 25 को एब्जॉर्ब करवाते हैं, फिक्स कॉस्ट यानी पर यूनिट के अंदर हम शामिल करते हैं, तो ये 165 हो गया। तो 165 यानी हमारे पास 140 की बजाय 165, 25 से ये इंक्रीज कर गया। अब ये 25 से जब इंक्रीज किया तो वो क्या हुआ, हमने अब 165 को हमने यहां मल्टीप्लाई किया, 165 को जब मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया, 165 को 35,000 से मैंने मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब है मैंने फिक्स कॉस्ट कितनी शामिल की है, 35,000 की मैंने प्रोडक्शन की है, 35,000 की प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई मैं 25 से कर रहा हूं। देखिए 35 में से अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक भी बच रहा है तो वो नीचे आ रहा है, मैं ले रहा हूं यहाँ पे। तो 35,000 को मल्टीप्लाई 165, 140 तो यहां भी हो ही रहा है, यानी 35 मल्टीप्लाई 140, ये 35 मल्टीप्लाई 165, तो दोनों में फर्क किस चीज का है, इस 25 का ही फर्क है। तो इसका मतलब मैं कितना यूज कर रहा हूं, 25 यूज कर रहा हूं, फिक्स कॉस्ट का एक्स्ट्रा यूज कर रहा हूं। तो ये मैंने वर्किंग की थी कि ओएआर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ओएआर यानी फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मैं एक दफा फिर इसको रिपीट करता हूँ, व्हाट इज द फॉर्मूला, नॉर्मली हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, नॉर्मली हम फॉर्मूला ये यूज कर रहे होते हैं, ओएआर लेते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के साथ, तो हमारे पास आता है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, यहां से माइनस करते हैं हम एक्चुअल ओवरहेड तो हमारे पास आता है अंडर योर एब्जॉर्ब। इस सवाल के अंदर, इस सवाल के अंदर ओएआर कितना हमारे पास 25 है, एक्चुअल एक्टिविटी कितना है 35,000 की हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किया तो आई थिंक 875 ये कुछ ऐसी वैल्यू आ रही। अब एक्चुअल ओवरहेड, अब यहां पे पूरे साल के ओवरहेड 1 मिलियन के ही दिए हुए, तो 1 मिलियन के दिए हुए तो हमने अंडर ओवर एब्जॉर्ब करवा दिया, वो कितना आ रहा है हमारे पास 125,000 का आ रहा है, तो ये अंडर था तो मैंने जाके इसको प्रॉफिट में से माइनस कर दिया कि मैं अंडर एब्जॉर्ब करवा रहा हूं, 125,000 का अंडर एब्जॉर्ब करवा रहा हूं। तो ये प्रोडक्शन का तो ठीक है एडजस्ट हो गया, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो वैल्यू आ रही होती है, अगर आप सवाल पे वापस जाते हैं जरा, यानी हमने प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन के अंदर जो हमने फिक्स कॉस्ट, अगर तो सारी की सारी प्रोडक्शन है ये सेल के बराबर हो जाती, क्लोजिंग स्टॉक होता ही ना, स्टॉक में कुछ चेंज आता ही ना, तो फिर कोई मसला नहीं था, फिर हमारे एब्जॉर्प्शन और मार्जिन का प्रॉफिट सेम ही आता है। अब प्रोडक्शन के अंदर जो फिक्स कॉस्ट शामिल होती है वो तो हम माइनस कर देते हैं और अंडर ओवर के थ्रू हम जो डिफरेंस होता है वो भी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन स्टॉक के अंदर जो वैल्यूएशन का फर्क आ रहा होता है, यानी यहां पे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर रहा हूं, यहां पे किस पे वैल्यू कर रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक को, यहां पे मैं क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू कर रहा था, यार यहां पे मैं क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर रहा था यहां पे 165 पे, और ये मैं क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू कर रहा हूं, 140 पे, ये 165 पे, ये 140 पे, तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 25 का फर्क आ रहा है, ये हमने एडजस्ट नहीं किया हुआ, तो इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में चेंज आ रहा होगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में के फर्क की वजह से हमारे पास दोनों में डिफरेंस आ रहा होगा। तो बेसिकली हम सिंपल, अगर मैं इसको नेट शेल करूं तो नेट शेल हम यू कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है,
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट निकाल लेते हैं, यानी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के थ्रू हम पर यूनिट निकाल लेते हैं, और प्रोडक्शन के यूनिट्स के अंदर हम मल्टीप्लाई करवा के जितनी प्रोडक्शन हुई होती उतनी फिक्स कॉस्ट हम शामिल कर लेते हैं। जबकि मार्जिन कॉस्टिंग के अंदर हम ये नहीं देखते प्रोडक्शन हुई या नहीं हुई, सेल हुई या नहीं हुई, एंड पे जाके हम टोटल एक्चुअल फिक्स कॉस्ट माइनस करवा रहे होते हैं। तो अगर तो प्रोडक्शन जितनी हुई है सारा ही सेल हो जाए तो एब्जॉर्प्शन में भी सारी फिक्स कॉस्ट निकल जाती है, सारी माइनस हो जाती है, और मार्जिन में तो माइनस हो ही रही होती है, दोनों को प्रॉफिट सेम आ जाता है। लेकिन अगर प्रोडक्शन में सारी प्रोडक्शन सेल ना हो, स्टॉक इंक्रीज कर जाए, तो एब्जॉर्प्शन के अंदर स्टॉक इंक्रीज करता है तो हम ज्यादा स्टॉक फिक्स कॉस्ट ज्यादा होती है उसमें, तो मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग स्टॉक जब इंक्रीज करता है तो कॉस्ट ऑफ सेल में से ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाता है, एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट बढ़ रहा होता है। तो बहरहाल सिंपल, दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों आता है? स्टॉक में चेंज होने की वजह से, चेंज इन स्टॉक इनटू फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। आई थिंक फॉर टुडे दिस इज सफिशिएंट, आज के लिए काफी है बेटा, टाइम भी हो गया हमारे पास। खैर कल हम कुछ और क्वेश्चन भी देखेंगे, ये मैंने पूरी कोशिश की है। अब बी पार इसका देख लीजिएगा, आसान नहीं है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो खैर हम कल मैं और क्वेश्चन भी देखूंगा इसमें से, और बाकी क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। सर वैसे ये जो आपने नीचे जो बता दी इसकी जरूरत तो नहीं थी मेरे ख्याल, उसने सिर्फ प्रॉफिट ही मांगा था हमसे। हाँ जी हाँ जी, हम प्रॉफिट से हम निकाल दें, ये नीचे वर्किंग जो आपने की है 35,000 मल्टीप्लाई बाय 25 इसकी जरूरत तो नहीं है आपको, किया बेटा हमने प्रॉफिट ही बस निकालना था। सर ये रिकॉन्सिलिएशन जो है हम उसी तरह करेंगे जो कल आपने फॉर्मेट बताया था, बिल्कुल वैसे ही आप करेंगे। अब यू विल ट्राई, अगर कोई मसला होगा तो कल मैं आपको गाइड कर दूंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है। हाँ जी, बी पार्ट आपकी असाइनमेंट है, ऑल ऑफ यू शुड ट्राई, ये आपकी असाइनमेंट है। बल्कि मैं आपको क्वेश्चन भी देता हूं, 4.2 क्वेश्चन आपने ट्राई करना है यार, 4.2 4.2 4.3, चलो दो क्वेश्चन ले लिया हम उसे, हो जाएंगे इंशाल्लाह। कोई 4.2 है, 4.3 है, ये दो क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। यू विल ट्राई, इफ यू विल हैव एन इश्यू देन आई विल सॉल्व, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। आप सब लोग ये असाइनमेंट है 4.2 4.3 इसको सॉल्व करेंगे, कोई मसला है तो आई विल डिस्कस। फॉर टुडे दिस इज सफिशियंट, अब मेरे ख्याल आज के लिए काफी है बेटा, इंशाल्लाह टुमारो वी विल कंटिन्यू। सो थैंक यू वेरी मच आज के लिए बेटा, थैंक यू वेरी मच।